यहाँ ये पेपर आने लगा। देखिए इतना दूर आने से यही फायदा है कि यहाँ सुबह देखिए ना पाँच दस मिनट एकदम सनराइज आपको सामने दिखाई दे रहा है, प्राकृतिक सुंदरता है, छत खुला है ना, देखते हैं। तो अभी देखिए ढलैया का काम चालू है, छत बन गया है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू दिस ब्लॉग। समस्तीपुर से ये ब्लॉग हम कर रहे हैं। आज 11 बजे की मेरी गाड़ी है। यहाँ से निकलने में मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि इतनी जल्दी निकल गए, ज़्यादा घूमने का मौका भी नहीं मिल रहा है। और टॉप फ्लोर में क्या लगा हुआ है, पानी। बताइए इतने लोग यहाँ बस चुके हैं। अभी मैं यहाँ से एक ड्रोन उड़ाऊँगा ना, तब दिखेगा आपको कि कितनी कॉलोनियाँ यहाँ बसी हुई है। अभी क्या करें, ड्रोन है नहीं, नहीं तो हम आपको पूरा ड्रोन घुमा के दिखा देते कितना बड़ा समस्तीपुर हो गया है। बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत। अभी कंस्ट्रक्शन वाले समझेंगे कि ये सब पुरानी पद्धति है कि नई पद्धति है, बांस लगा करके। चाय तो बहाना है, चाय के नाम पे लोग बहुत कुछ। तो हम बंद कर दिए हैं और इसका जो एक एक न्यूज़ है ना, उस पर पूरी एक एक क्राइम पेट्रोल का एपिसोड बन सकता है। जैसे कि सत्येंद्र ने 300 ट्रक भाड़े पर लिए, फिर इंजन चेसिस नंबर टेम्पर कर बेच दिया। यही है कैरेक्टर, अभिषेक पांडे आराम से कर लेंगे ये कैरेक्टर। देखिए ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है। ये झोला वाला एकदम लटका लेते हैं, डिग्गी में सामान भर लिए। अरे रे रे, देखिए ये बेसमेंट है, पूरा पानी लगा हुआ है बेसमेंट में। मतलब यहाँ बेसमेंट बनवाइए आपको फ्री का स्विमिंग पूल मिल जाएगा। धरती फोड़ के पानी आया है। अभी कब सूखेगा? मार्च में सूख जाएगा। सूख जाता है। घर का भी मजा लीजिए और स्विमिंग पूल का भी मजा लीजिए। बढ़िया है ये, वाह। कुछ आइटम और बनाते हैं, क्या करें, तू इतना जल्दबाजी कर दिया है, अब जा रहे हैं इतना। अरे तो और तुम खाते पीते चल जाना। नहीं, मारेंगे तुम तो, मैं समझो कि तुम बड़ा हो गया। अरे नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, क्या होता है, लाइए वो दिखाइए। अरे हम तो दिखाए ही नहीं, क्या देखते हो इसमें, क्या देखेगा। देखिए दीदी हमारे लिए क्या देखेगा, उसमें सत्तू रोटी है, ये दो एप्पल डाल दिए, इसको खोल के दिखा दे क्या। ना ना, अब जाने दीजिए। बताइए 8 घंटे का जर्नी है और उसमें लंच वंच सब बना के दे दिए। भूख लग जाएगा ना, तुम अभी बच्चा है, बड़ा नहीं हुआ है। कोई मिल जाएगा तो मामा बैठ ही जाएंगे। हाँ और क्या, वो तो नहीं देगा कैसे। कहना दे लो, हम मैया हीरो है, नहीं देगा तो फिर छोड़ दे क्या। वही, अरे हमको खुद अभी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम इतने कम समय में, हमको लगा ही नहीं कि तुम आया। छठ में कर आएंगे तो बहुत दिन के लिए आना। अब अगली बार हम आएंगे ना तो हमको लग रहा है कि ये रोड वोड सब बन जाएगा। कोई नहीं, हम चले जाएंगे, जाइए आप। देखिए कितने अच्छे भैया थे, उनसे थोड़ा सा लिफ्ट मांगा, उनको कहीं और जाना था लेकिन वो हमको पूरा स्टेशन तक ड्रॉप कर दिए। अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ समस्तीपुर में, देख रहे हो। अभी एक आंटी जी रहती हैं उस पार, तो जाते जाते उनसे भी हमको मिल के जाना है, नहीं तो वो पूरा साल हमको सुनाती रहेंगी कि यहाँ तक आए हमारे पास नहीं आए। गाइज ये है समस्तीपुर के मेन सिटी का पार्ट, इस तरफ तो देख रहे हो क्या रौनक है। और मुझे एक चीज़ मैं बताऊं, मुजफ्फरपुर से अगर कंपैरिजन करें ना तो ये सिटी और ये स्टेशन बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, बहुत ही चहल पहल वाला मार्केट है ये। राघव होटल ये अभी भी है। अरे हाँ, हमको देखना है मीनाक्षी होटल, यहीं पर एक मीनाक्षी होटल था जहाँ का समोसा बहुत ही फेमस था। अरे देखो अभी भी है मीनाक्षी स्वीट्स। अरे रे, सेम पैटर्न है। समोसे के लिए अभी भी टोकन लेते हैं क्या? आ रहा है, टाइम लगेगा ना, ठीक है। हमको खाना नहीं है, हम बता रहे हैं, पहले यहाँ पे था ना काउंटर। आप अभी से हैं कि पहले से? हाँ बहुत पहले से। 15 साल? 20 साल। 20 साल हो गया ना। हाँ पहले 2 रुपये का था, 2 रुपये 25 पैसा। अभी आज क्या रेट है? पहले
2 रुपए 25 पैसा में हम खाए हैं, हमको इतना याद है। खाए होंगे बहुत पहले, खाए होंगे। हाँ वही 15-17 साल का रेट है वो। अभी क्या रेट है? ₹10 है, तो भी ज़्यादा महंगा नहीं है। और पूरे समस्तीपुर में यहीं का बढ़िया भी था समोसा, मीठा चटनी के साथ खाते थे जो। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, देख के तो मज़ा आ गया है ना भाई, मीनाक्षी स्वीट्स। चलो ना भाई, जिस चीज़ के लिए हम आए उनसे मिल लेना। 11 बजे की गाड़ी है, अभी 15 मिनट उनको चाय पिलाने में भी लगेगा। और छूट गई गाड़ी तो फिर यही लिट्टी चोखा सब खा के वापस चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो तंबाकू मिलता है ना, ये पत्ते वाला मिलता है, ये पत्ते वाला, इसको काट काट के बनाते हैं। पत्ता वाला है ना तंबाकू, एक ही वैरायटी है कि और भी है? दो वैरायटी है। ये तंबाकू वाले को हम जानते हैं, चेहरा देखा हुआ लग रहा है पहले का। ये साउंड बड़ा अच्छा लग रहा है, लुक बदल गया। है। दो रास्ता था ना, एक इधर का एक इधर। हाँ किसी से जा सकते हो? इसी से जाएंगे। चलो, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कुछ नहीं बदला है, हम वैसे वैसे हैं। अरे अभिषेक, यहाँ तो फ्लैट सिस्टम भी नहीं है। खाना खा के गेला हम कल दोपहर तक पहले भेजे छी, खाना खा के तक सवेरे भेज। कमरा है तेरा ना? हाँ। चलो भाई, टाटा बाय बाय कर दिए हैं सबको, सबका आशीर्वाद ले लिए हैं प्रणाम करके। अब 5 मिनट में हमको पहुंचना है स्टेशन, नहीं तो छूट जाएगी गाड़ी। अब देखो ना, अब 2 मिनट दिखा रहे हम तो ब्लॉग में दिखाए नहीं। गाइस देखिए, ये हैं अभिषेक, अभिषेक आनंद। इनको भी जब आखिरी बार हम मिले थे ना तो छोटे ही थे, गंजी चड्डी में खेलने वाले सब लोग। अब बड़े हो गए हैं। सब बड़े हो गए। ये देखिए गाइस, इतना शॉर्टकट। झूठ बोल रहे हैं। 1 मिनट नहीं लगा स्टेशन आने में और गाड़ी हमारी पहुंच गई है उजियारपुर। जल्दीबाजी में मैं अपना जैकेट ही भूल गया कृष्णा दीदी के यहाँ, अब उनको परेशानी हो रही है। अब बोल रहे हैं कि जाने दीजिए, छठ में आके वापस ले जाएंगे, लेकिन ना, अब वो आ रहे हैं स्टेशन पे देने के लिए। और हमारी गाड़ी अभी जस्ट 5 किलोमीटर दूरी पे है यहाँ से। अरे आप फालतू परेशान हो गए, जैकेट तुम्हारा छूट गया, ठंडा में क्या पहनता तुम? ठंडा वहाँ लगता ही नहीं है, गांव में तो गांव में है 2-3 चार जैकेट। जैकेट छूट गया पहनेगा क्या? मुंबई में तो ठंडा नहीं रहता है, लेकिन फिर कब आएगा? नहीं आएगा, इसका जैकेट फंस जाएगा यहीं पर। आप टोपी मांग रहे थे, देखिए छूट गया जैकेट। कह रहा था कुछ छूटेगा। हाँ, इसको लेने के लिए आ जाते हम दोबारा। पहले तो छोड़ देते हम, वही सोचे कपड़ा अगर ठंडा का होगा नहीं, घर पर तो ठंडा लगेगा, सोचे पहुँचा देते हैं, नहीं तो छूट जाए। बोलिए रहा था कुछ ना कुछ छूटेगा, छूट ही गया। एकदम कट टू कट टाइम पे आए, गाड़ी एकदम आई रही है। तो बड़ौनी से ना खुल रहा है, इसलिए टाइम पर है, तो सब होता लेट। हाँ चलिए जाइए, नहीं तो फिर चलो आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम वहीं से लेते हैं। कहाँ है? 1 नंबर कहाँ है? अरे हम वहाँ से देख के घुसे, हम भी पूरी गाड़ी खाली है, हम तो फालतू में तत्काल में टिकट लिए। चलिए अच्छा है कि इस साइड है गाड़ी, उस तरफ जा रही है? इस तरफ आपको हम इस तरफ जाएगी, उस तरफ जाएगी, तो हम इधर बैठेंगे। हाँ बैठ जाइए, जो आएगा एक्सचेंज कर लेंगे। हमको ऐसे जाने में सही लगता है, ऐसे सामने सामने, नहीं तो फिर ऐसा उल्टा लगता है, उल्टा गाड़ी खींच रही है। गाड़ी खुल चुकी है, अभिषेक चले गए हैं, पूरा गाड़ी खाली है, कहीं भी बैठ जाइए। बाय बाय समस्तीपुर, बाय बाय, बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे हम फिर दोबारा। भाग सिमरन भाग, पकड़ लिए। बहुत बढ़िया, चल गए। सुधा पेड़ा लेने का एक आखिरी ऑप्शन था मुजफ्फरपुर स्टेशन, लेकिन यहाँ पे भी नहीं मिला। अब बिना पेड़े के हम जा रहे हैं जौनपुर। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं छपरा स्टेशन, पता नहीं यहाँ पे सुधा पेड़ा मिलेगा कि नहीं। सुधा पेड़ा मिलेगा? पेड़ा ये देखिए, यहाँ पे मिल रहा है सत्तू और भुजा, और उधर तो जाने दीजिए, मतलब नहीं है। छपरा में देखते हैं अगर पेड़ा मिल जाएगा तो। छपरा में पेड़ा मिलेगा ना? सुधा पेड़ा मिले? सुधा मिलेगा छपरा में। यार गलती की, हाजीपुर में एकदम सामने ही था, फोन पे थे,
नहीं तो मिल जाता। मिल गया मसाला? नहीं मिला। नहीं मिला, आएगा तभी मिलेगा। गाइस अभी आ गया है छपरा स्टेशन और यहाँ पे भी पेड़ा नहीं है। लोग बता रहे हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अब हम बिना पेड़े के जा रहे हैं जौनपुर। बहुत ढूंढ लिया सुधा पेड़ा। मिल गया। कहाँ तक जाएंगे? पहुँच जाएगा, पूरा निकल जाएगा। हमको तो लगता है इतने में वापस भी आ जाऊँ। मिल गया देखो भाई साहब को मसाला, एकदम शिखर। बिहार का मशहूर गुटखा है ये, लेकिन आप लोग मत खाइएगा। तो दो पत्ता उधर भी है। अभी तेरा जो एक नंबर जो दिया था। बाप रे। हेलो, तो गाइस मैं उतर चुका हूँ जौनपुर और अभी शाम के 8 बजे हैं। तो भाई देखो इस बार का ना एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। वो जो आपने देखा ना गुटखा खाते हुए उन लोगों को, बाप रे इतने सारे गुटखे वो लोग खरीदे और गुटखा खाते खाते उसका मुंह एकदम छोटा सा हो गया था। छोटा सा मतलब बोल भी रहा है, हंस भी रहा था, इस तरीके से ज़्यादा मुँह खुल भी नहीं रहा है। खाना पीने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ गुटखा खा खा के पहुँच रहे हैं। अगर आप लोग भी गुटखा खा रहे हो तो बंद करो भाई। ये है भूमिगत रास्ता। तो अभी बाहर स्टेशन पे आए हैं भैया, उन्हीं के साथ जाएंगे। इसमें रुकना है ना? काले जौनपुर पहुंच गए हैं। जौनपुर पहुंचने के बाद बस ये हम फ्री हो के अब सीधा जो है हरे ही आई थे। अच्छा चलो हम पहले आइए भैया, हमके मिलिए। और संचिता, अरे संदेश एकदम देवी माई लगत है, सही कह रहा एकदम। तो देखिए गाइस हमारे घर पे कितने लोग जुटे हुए हैं। इससे एकदम जैसे लगा था ब्याह फना था, क्यों कहा खुश रहा भैया। केहू के ब्याह हम कहीं तो चल गए लोगो सूरत कब हे देखा मेन मलकिन तो यहाँ बैठल है। कई दिन से जो है ना किचन के इज्जत ना भइल है, अब देखा कितना भरा भरा सा लगा था एकदम। तो बिहार का सफ़र होता है यहीं पर ख़त्म। कल से वापस हमारा गांव का ब्लॉग चालू होगा और बहुत ही बढ़िया मेमोरी रही। इस बार कुछ पुरानी मेमोरी को रिनोवेट करके नई मेमोरी जनरेट की है, तो बहुत ही अच्छा लगा बचपन वाली जगह पर वापस जा करके, लोगों से मिल के बातचीत करके। बहुत सारे पुराने दोस्त जो मिले उनसे कांटेक्ट किया, जो नहीं मिले उनका नंबर लेकर के आया। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और यहाँ आने के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठ करके देखिए भोजन कर रहा है, अच्छा लग रहा है। तो बस अब हम मिलेंगे इसी जगह पर सभी लोगों के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।